पीएम मोदी 16 नवंबर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भरेंगे हुंकार। शहडोल और ग्वालियर में करेंगे सभा। अंबिकापुर में भी कांग्रेस को घेरने के लिए जनता से करेंगे संवाद। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज। सीएम रमन ने कोरिया और कोरबा में गिनाई सरकार की उपलब्धियां, तो बलौदाबाजार में राहुल गांधी ने सरकार को बताया फेल। इंदौर में मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा मध्य प्रदेश में होंगी चुनाव की तैयारियां पूरी। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अब काम करने के निर्देश। सीएम शिवराज ने विंध्य में कई जगहों पर की जनसभाएं। कांग्रेस को बताया कंफ्यूज पार्टी। कहा विकास देखकर गुस्सा कर रहे हैं कांग्रेसी। बीजेपी में असंतुष्टों को लेकर चुनाव अभियान समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर का दावा, सभी नेता एक साथ करेंगे काम। पार्टी कर रही है मनाने की कोशिश। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति गोलू अग्निहोत्री नहीं लड़ेंगी चुनाव। कांग्रेस के लिए काम करने की कही बात। पार्टी के टिकट बदलने पर भरा था निर्दलीय पर्चा। विज्ञापनों को लेकर सियासी दलों में मचा घमासान। कांग्रेस ने आयोग से की बीजेपी के समृद्ध सड़कों वाले एड की शिकायत। विदेशी सड़कों को दिखाने का लगाया आरोप। योगी कैबिनेट की बैठक में इलाहाबाद मंडल का नाम प्रयागराज करने को मंजूरी। फैजाबाद मंडल को किया गया अयोध्या मंडल। मक्का खरीद नीति के प्रस्ताव पर भी लगी मुहर। रायपुर में मातम में बदली शादी की खुशियां। सिलेंडर फटने से एक बच्चे की मौत, 5 घायल। गुब्बारे में गैस भरते वक्त हुआ हादसा। देश और प्रदेश में दिखी छठ की छटा। डूबते सूर्य को अर्घ देकर महिलाओं ने की व्रत पूजा। छठी मैया से की सुख सौभाग्य समृद्धि की कामना।